किसी को मालूम हो तो हमारे बच्चे को सही सलामत पहुंचा दीजिए, बस इतना ही आप लोगों से आग्रह। वीडियो को शेयर करें, फोटो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि इन मताओं के बच्चे घर पर आ जाए। इस घर में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि तीन मताओं के तीन बच्चे इस समय 14 साल के गायब है। यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं गुमशुदा की तलाश है। एक आदर्श है, दूसरे का दिव्यांशु और तीसरे का अनिक पांडे है। तीनों एक ही साथ एक ही घर से तीन मताओं के बच्चे इस समय गायब है और घर में कोहराम पूरा मचा हुआ है। अगल बगल लोग अंदर बाहर सब इकट्ठा हुए हैं और ये जगह है गोपालगंज जिले के कुचाय कोट थाने के करमैनी गांजी गांव है और इस गांव के तीनों बच्चे इस समय लापता है। 13 तारीख को या 14 तारीख हो गया लेकिन अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है बच्चे कहां पर चले गए हैं। कैसे आपके बच्चे गायब हो गए? सुबह नहा धोवा कर 9:30 बजे जा रहे थे, पूछे हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो बोल रहे माता जी तर खेलने जा रहे हैं, बस यही बताए और कुछ नहीं। उस टाइम से घर नहीं आए। कई साल के रहना जी? पांडे 17 साल का। तीनों जना एक के घर के पांडे है। अच्छा, पांडे जी माने अगल बगल घर बा ना? पास पास में ही घर बा। तीनों लड़का साथे रहत रहला सन और घूमे निकलल बाड़ा सन। ओकरा घर में कभी भी साथ ही में रहता था। तीनों दोस्त एक ही साथ कहीं भी जाता है तो दो तीनों एक ठन जाता है। स्क्रीन पर इस फोटो को ध्यान से देखिए, अगर कहीं भी ये लड़के दिखाई देते हैं तो इस नंबर पे संपर्क जरूर करें। आदर्श और दिव्यांशु के लिए 7673863 64 और दूसरा नंबर है 9523611635 और अंकित पांडे के लिए उसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर कहीं भी दिखाई दे तो ध्यान से इस फोटो को देखिए और इस नंबर पे कॉल जरूर करें क्योंकि इस घर में सभी लोग परेशान है। पूरे गांव के लोग, इस थाने के लोग, बाहर भी देख सकते हैं पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं। लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है लेकिन बच्चों का अभी तक पता नहीं चला है। 24 से 30 घंटा हो गया है, अभी तक पता नहीं चला है कहाँ का हितई नितई सब पता किया गया। कोई हितई बाकी नहीं है, कोई हिताई बाकी नहीं है। सब जगह फोन हो गया है कि मेरा बच्चा गुम हो गया है। किसी पे शक है आप लोग का कि आपका बच्चा कोई उठवा सकता है, गायब करा सकता है? ऐसा कुछ किसी से कोई दुश्मनी होगा? कोई दुश्मनी नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं है। किसी थाने में रिपोर्ट किया है आप लोग? लिखवाया गया है। मोबाइल लेकर वो लोग गए हैं? कुछ नहीं, बिना मोबाइल के? बिना मोबाइल, बिना आधार कार्ड के, कोई सबूत नहीं है बच्चा लोग के लगे। ना ऐसा ही घर से निकले हैं, ना पैसा है उस लोग के लगे। ना पहचान क्या है आप लोग के? बच्चा जो है इन लोग का पहचान क्या है? वही देखिए, ऊपर वाला जो कपड़ा पहना है लोग सेम नहीं, कपड़ा बदल भी सकते हैं, कोई बदलवा भी सकता है। पहचान ओरिजिनल क्या है? पहचान यहाँ पर दाग है और यहाँ पे गाल पर तो इनका दाग है, इनका यहाँ आँख पर दाग है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप आदर्श को देख रहे हैं इसके ओंठ के अगल बगल दाग है और जो दिव्यांशु है इसके ललाट के साइड में यहाँ पर दाग है और जो पांडे जी है अनिक पांडे इनका पहचान क्या है? गाल पर ही दाग। कहीं भी दिखे जरूर यहाँ पर संपर्क करें, इस नंबर पे फोन करें क्योंकि यहाँ पर जो घर के लोग हैं, माँ है, सब लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं क्योंकि 14 साल के बच्चे, तीनों 14 साल के थे, तीनों दोस्त थे, इस समय गायब है। घर के लोग पूरा परेशान है, इधर उधर रिश्तेदारों में पता कर रहे हैं लेकिन अभी तक इन बच्चों का पता नहीं चला है कि आखिर कहाँ है। पुलिस कहाँ तक पहुँची? अभी आश्वासन दिया है कि शाम तक हमारा यहाँ गए थे हम लोग थाने पे, अभी तक आई नहीं। अभी बात हुआ था प्रभारी साहब से तो बोले हैं कि थोड़ा देर में हम लोग आ रहे हैं और क्या कहते हैं। अच्छा, कल के ये लोग गायब है, आज आप लोग FIR किए? नहीं, रात में हम लोग गए, तो अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं आई। रात में गए थे लोग, एक घर के तीन बच्चे गायब है, कल का FIR हुआ है रात में का, लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटा पूरा होने वाला है, अभी तक चायकोट थाने की प्रशासन इस घर पे पूछताछ करने के लिए नहीं आया है। आखिर वो इस राज्य से लड़के को इधर उधर गायब कर देंगे तब आकर पुलिस प्रशासन यहाँ से जांच शुरू करेगी। अब पता ना बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन माताओं का यहाँ पर हालत ख़राब है, पूरा रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं। बहन भी और कुछ कहना चाहती है अपने बच्चों के लिए आप लोग? नहीं, किसी को मालूम हो तो हमारे बच्चे को सही सलामत पहुँचा दीजिए, बस इतना ही आप लोगों से आग्रह। एक ही लड़का रहा है? तीनों अपने के कहीं, तीनों आदमी का एक ही, एक ही लड़का, एक ही लड़का है। तीनों आदमी के बच्चा।
चलिए भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, तीनों माताओं के एक एक ही बच्चे थे, 14-14 साल के हैं। मेरा बच्चा मिल जाए। अगर स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है इस पर कहीं से भी बच्चे दिखाई दे, ढूंढने का भी प्रयास करे, अगल बगल पूछताछ भी करे, वीडियो को शेयर करे, फोटो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करे कि इन माताओं के बच्चे घर पर आ जाए, मिल जाए। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से, धन्यवाद।